वीडियो है वो है हमारी रोटी मेकर के ऊपर। अच्छा, इसकी मुझे काफी जो है वो रिक्वेस्ट थी कि आप इसकी जो है हमें रोटी, मतलब वो जो पेड़ा जिसके अंदर बनता है उसकी बनाकर हमें वीडियो दें, तो मैंने सोचा कि एक मैं कर दूं, बट जैसा पेड़ा मुझसे अरेंज हो सकता था, तंदूर से मंगवाया है, घर वाला नहीं है, तो जिस तरह का मैं कर सकती थी मैं आपको करके दिखा दूंगी उसमें। अच्छा, मेरे पास जो है वो ऑयल वगैरह की भी वैरायटी भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी कि ऑयल होता तो मैं उसके हिसाब से आपको करके दिखा देती, क्योंकि ये जाहिर सी बात है इसके साथ आपको ये प्लास्टिक एक मिलती है, तो मैं उसकी जगह थोड़ा सा जो है वो पानी यूज़ कर लूँगी। ठीक है, मेरा हाथ भी जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है वो, आप इस तरह से थोड़ा सा जो है वो ऑयल की थोड़ी सी कोटिंग होती है यहाँ पर, आप इस तरह से ऑयल की कोटिंग कर लेंगे, फिर जो आपके पास पेड़ा होगा उसको आप रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो अरेंज किया है वो ये वाला है। मैं बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में तो नहीं कर सकती क्योंकि ये काफ़ी जो है उस तरह से मैंने काफ़ी इसकी जो है वो किया कोशिश, बट ये बिल्कुल घर वाले की तरह नहीं है, बहुत इनका जो आटा है बहुत नरम गूंदा हुआ होता है, तो मैंने उसके हिसाब से कर दिया। अच्छा, ये जो है इसके ऊपर आप जो है इसके साथ आपको ये दूसरी वाली शीट मिल जाएगी, आपने बस क्या करना है इस पेड़े को बनाकर इस तरह से आप इसमें प्लेस कर देंगी, और दूसरा ये आपने इसको यहाँ से इस तरह पुश करने के बाद ये चीज़ जो है इस तरह से ये प्रेस हो जाएगी। जब ये इस तरह से प्रेस हो जाएगी तो ये कंप्लीट आपको रोटी के जो शक्ल है इसकी वो मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाली रोटी मिलेगी। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, अगर आपको इसको पतला करना है तो आप अपनी मर्जी से इसको पतला भी कर सकती हैं, और जिस तरह की रोटी आपको पसंद है उस तरह की बन जाएगी। ये शीट आपको इसके साथ मिलेगी, तो इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको साथ साथ में मेंशन कर देती हूँ। इसकी प्राइस जो है वो आपको मिलेगी 2650 रुपीज़ का, आपको ये रोटी मेकर मिल जाएगा। आसान चीज़ है, रमज़ान का महीना आ रहा है तो उसमें भी आप लोग बड़े आराम से पराठे वगैरह जो बनाना है इसमें आप बेल सकती हैं, इजीली जल्दी का काम है। चलें भाई, मैं जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।